हेलो एवरीवन, दो तीन दिन से मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ बट ये पूरा नहीं हो पा रहा है और कुछ है नहीं। वही डेली रूटीन मुझे दिखा के बोर नहीं करना है आपको। हाँ, अभी बस प्रियांश को लेने जा रही हूँ, बारिश होने लगी, वापस घर गई, अम्ब्रेला लिया और वापस आई, इसलिए सांस फूलने लगी क्योंकि दौड़ के गई। ऑलरेडी अभी कम समय है छूटने में और पहले आप लोग जाके देख के आइए पीछे मैंने दो तीन दिन क्या किया है, जो भी थोड़ा बहुत शूट किया है वो सब, फिर आगे का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पर। आज लंच है और थोड़ा कुछ लिया है मैंने बैग में, उनकी दो डॉटर्स हैं तो उनके लिए, मेरे नेबर में ही रहते हैं वो लोग, सोनी के घर जा रही हूँ। प्रियांश ये रहा, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो ना आप पहले, हाँ ठीक है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, भागो भागो। प्रियांश की स्पीड देख लो गाइस लोग, हाँ देखा गाइस लोगों ने। उसके बाद हेलो गाइस, प्रियांश आप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? मत निकालो ना उसको, दिखाओ क्या है उधर, दिखाओ दिखाओ, शो में शो में। अभी बोलो क्या पूछना चाहते हो आप? आज इडली पार्टी है। हाँ यस, आज इडली और डोसा की पार्टी है, राइट? यस, मम्मी सॉरी मम्मी नहीं समझ पा रही है, आज इडली डोसा की पार्टी चल रही बच्चे लोगों की। खाओ खाओ। बहुत सॉफ्ट है। सब कुछ बहुत टेस्टी है और वो बहुत तीखा है, मज़ेदार एकदम, मस्त तीखा है, अच्छा है, तीखा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। हाँ ट्राई कर, सब ट्राई करेंगे आप। सीरियसली नहीं, एक्चुअली में इडली बहुत सॉफ्ट है। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा प्लीज जा तो नहीं खाने के लिए, रेसिपी तो लेके आ ही जाना। Does it feel like you have South Indian food? Actually, ये टेस्टी है। आपका सारा चीज मेरे ब्लॉग में आने वाले हैं। Not perfect. नहीं अच्छा, ठीक है, अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। और ये मोटा वाला है सेवई। गुड़ का राइस दे दिया मैंने, बस इतना सा ना, स्वीट। अच्छा। Anyway, next month is Navratri, no? At that time, one day you come for lunch, okay. Not idli dosa. Okay. Our lunch. South Indian lunch. South Indian lunch. Something different. South Indian में variety बहुत रहता है। Yeah, variety बहुत रहता है। मैं तो कम बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं दोनों दिन आज बैठे हैं। No, this Saturday we have after this Pournami, we have a festival for that Balaji. 4 weeks or 5 weeks we'll do, every Saturday we'll do puja.
So at that time there is a custom like we need to invite someone for the lunch every Saturday. Okay. ठीक है मैं free हूँ. उससे ही बता दो. Saturday. Sorry. No. I was planning to invite one Saturday. Because I can do only 2 or 3 Saturdays. गरबा वाली है, सेम है ना? सेम. नहीं ये गरबा वाली ही है, दो नवरात्रि आती है, एक में नहीं होता है, एक में होता है. ये गरबा वाला है ना? ये गरबा वाला है. गरबा मतलब इट्स द सेम डांडिया जो जो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा है. सेम बस नाम अलग अलग है. हाँ नहीं नाम भी वही है. नाम भी वही है. नहीं दुर्गा पूजा तो नहीं होता ना इस तरह. नहीं, नहीं नहीं तो नवरात्रि जब नवरात्रि मतलब नौ दुर्गा होती है. दुर्गा जी का नौ वही नौ रूप. हाँ. नौ रूप उनको ही नौ दुर्गा बोलते हैं. हाँ. तो उन्हीं की पूजा होती है नवरात्रि में. हाँ अच्छा दुर्गा पूजा ही होती है. दुर्गा पूजा ही होती है लेकिन सब जगह का थोड़ा थोड़ा कस्टम अलग है. हाँ तरीका अलग है बस. हमारी तरफ मतलब वो दुर्गा पूजा ही का मतलब जो ऑथेंटिक बंगाली दुर्गा पूजा होता है ना उसका फ्लेवर ज्यादा. उसमें वो लोग काली माता की ज्यादा पूजा करते हैं इसके लिए. नॉर्थ इंडिया यहाँ पर हम थोड़ा गपशप भी लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे. आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसे बैठ के लंच किया फ्रेंड्स के साथ और बातें की बहुत सारी और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया. और बहुत डिलीशियस इन्होंने डोसा इडली और चटनी वगैरह बनाया था. मैं भी ट्राई करूँगी बहुत जल्द और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. होप सो मेरा भी ऐसा बने, नहीं बनेगा तो फिर से ट्राई करूँगी और फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. यहाँ पे मैं सेवई खा रही थी, पी रही थी इनफैक्ट. मुझे बहुत अच्छा लगा. दूसरों के हाथ से समटाइम चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, अपने हाथ का खा खा के बोर हो जाते हैं. ये देखिए ओले पड़ रहे हैं अभी. कैसे आप लोग को ये जो बारिश देख रहे हो, ये बारिश नहीं है, ये ओला है. कट 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 ये देखो आवाज़ आ रही है. ओहो मेरा ये कपड़ा गिरा है. कुछ नहीं बेटा, थोड़े दिन पहले भी गिरा था, मतलब समय हो गया बट उस बात को. और अभी फिर से मौसम बहुत ठंडा हो गया है. पिछले मतलब 3-4 दिन में ही मौसम इतना ठंडा हो गया कि पूछो मत. देखे क्या हुआ भैया? आज तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, ऐसे ही थोड़ा और दूसरा काम था वो कर रही थी. अभी वापस बारिश होने लगा है. कल मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, वहाँ पे इडली डोसा का पार्टी था. बहुत यम बनाया था उन्होंने, मैंने इंजॉय किया मस्त, बहुत खाया. जनरली मैं यहाँ गले तक नहीं खाती हूँ बट कल इतना टेस्टी था कि बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा. फिर उन्होंने सेवई भी बनाया था, वो भी मैंने खाया, वो भी बहुत यम बना था, मज़ा आ गया था सब चीज़ें करके. और आज मैंने खुद बैटर रेडी किया हुआ है, कल ही भिगा दिया था मैंने कल मॉर्निंग में, लेकिन उसको पीसा नहीं था, ग्राइंड नहीं किया था. अभी मैंने उसको पीस के रखा है, रुको आप लोग को दिखाती हूँ. यहाँ पर रेडी करके रखा है, अब इसको फर्मेंट होना है. मेरे को लगता है 2 दिन तो जाएगा जिस प्रकार से क्लाइमेट है. अब देखो ये तो पॉट छोटा है, मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ तक भरा है. सो फर्मेंट होने के बाद ये काफ़ी ऊपर जाता है. अभी तो एक ही पॉट में रखी हूँ, सोचूँ इसको 2 में डिवाइड कर दूँ. देखो कब करती हूँ. अभी तो मीटिंग है रियांश के स्कूल में, मुझे वहाँ जाना है. अभी 15-20 मिनट में निकलूँगी स्कूल के लिए. ऐसे एनुअल मीटिंग होता है जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तब. लास्ट ईयर मैंने मिस कर दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं चला था. फर्स्ट ईयर मैंने अटेंड किया था, मतलब पूरा साल भर क्या करेंगे वो पूरा सब मीटिंग में बताते हैं. सो मैं भी जाऊँगी, अटेंड करूँगी. हाँ क्या हुआ? ठंडा लग रहा है? हाँ और यांश को बहुत ज़्यादा ही. देखो अपने खुद से ही जैकेट लेके आ गया, पूरी ख़त्म करो आप. टीवी देख रहे हैं. अभी स्कूल जा रही हूँ और मस्त तेज बारिश हो रही थी, अभी जस्ट बंद हुई है. उफ हाँ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा तेज तेज हो रहा है क्योंकि हिल है ना ये चढ़ाई है, इसके वजह से. ऑलमोस्ट मैं रियांश के स्कूल पहुँचने वाली हूँ. और ये हर क्लास की ईयरली मीटिंग होती है. लास्ट ईयर तो मैं मिस कर गई थी, अभी मैं बताया मैंने आप लोगों को, बट इस बार मैंने पहले ही टीचर को पूछ लिया था कि मीटिंग कभी है. देखिए यहाँ पे सारे पेरेंट्स ऐसे सब लोग जमा हुए हैं, मतलब पूरे जो घास एक्सयू है मतलब सीनियर केजी, उनके सारे डिवीजन की मीटिंग होगी आज.
सो फाइनली मैं आ गई। अभी 6:30 को गेट ओपन होगा। एट ओ क्लॉक हो गया है और अब जाके मीटिंग ख़त्म हुई। अभी मैं निकली हूँ, 8:05 हो रहा है और ठंडा लग रहा है, मस्त ठंडा हो गया है क्लाइमेट। देखें, दिख रहा है, मस्त ठंडा लग रहा है। अभी जा रही हूँ घर पे, रियांश को लूँगी मेरी फ्रेंड के यहाँ से, मतलब मेरी नेबर के यहाँ से, और घर जाऊँगी। यहाँ पर रियांश क्यूटली फ़ोन पे बात कर रहा था, वो अपने ब्लॉग से फ़ोन बनाया था और पता नहीं किससे बात कर रहा था, इतनी देर से ये बात कर रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, एकदम स्लो स्लो, ऐसा नहीं कि तेज, बट बहुत स्टाइल में बात कर रहा था। ये ऐसा गेम खुद से ही खेलता रहता है बीच बीच में। इडली और डोसा के लिए है, बर्तन निकालने में भी बनाऊंगी। यहाँ पे मेरा ये बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है, बहुत मस्त नाइसली। इसका टेक्निक मैं बताऊंगी विंटर में कैसे फर्मेंट करना है इसको, बहुत इजी, एक दिन में हो गया। और ये रही मेरी ग्रीन चटनी, इसको थोड़ा भी ग्राइंड और करना है, प्रॉपर नहीं है, मैं वो रेड चटनी में लग गई इसके वजह से। और ये एक दिन में अच्छे से एकदम फूल गया था पूरा। सो अभी थोड़ा बैटर लूँगी, पहले एक वन पॉट लगाऊंगी पहले इडली, फिर उसके बाद डोसा बनाऊंगी। इसमें रखती हूँ, लेके चलती हूँ बनाने के लिए। अभी मेरे चटनी में ना मैंने एक पाउडर बनाया हुआ है, ये ऐड कर दी, पूरा एक पाउडर डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। आप लोगों को दिखने में मेरी रेड चटनी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, ये मैंने बहुत अलग स्टाइल से बनाई हुई है। कभी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि दोनों के बीच में ना डिस्टेंस कम है। नजदीक ज़ूम करो इसको। सो क्या इंग्रेडिएंट है इसके? इसके इंग्रेडिएंट्स हैं गार्लिक, टमाटो, ऑनियन, इमली, और इसमें है रेड चिली, वो भी साबुत रेड चिली, लेकिन मैंने कश्मीरी ली है, आप लोग नॉर्मल वाली भी ले सकते हो। इसमें फिट नहीं हो रहा है सो मैंने इसको चेंज कर दिया है। अभी मैं लेके जा रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा न्यू जुगाड़। कढ़ाई में ऐसे रख के फिर इसको मैं ऐसे कवर कर दूँगी, देखते हैं कैसे बनती है इडली इसके अंदर। ये रहा मेरा डोसा, बहुत इजीली निकला, ये डोसा बना है, टूटा होता नहीं है, हो रहा है अभी देखते हो, स्टिकी हो रहा है, स्टिकी नहीं होना चाहिए। मेरा डोसा यहाँ मैं डोसा और प्रिपेयर कर रही हूँ, और इडली थोड़ी ठीक ठाक नहीं ही बनी है, मतलब ठीक है, काम चला हुआ नहीं, चटनी अच्छी है दोनों की। यहाँ पे पूड़ी मसाला भी है, उसको मैंने घर पे भी बनाना है एक दिन। घी है और क्या है, घी है ये, और ये रियांश है मेरा, हाँ मेरा प्लेट, मैंने रियांश वाले प्लेट में लिया है। और ये पूड़ी मसाला है, उसके अंदर घी ऐड किया है, घी ऐड करके खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। और ये दो चटनी और इडली।
थोड़ा रेड वाला और थोड़ा ये बाइट ले लिए। ये पिछले 3-4 दिन का मेरा शूट किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। और यहाँ पे रियांश और उसके पापा जा रहे थे सुपरमार्केट वीकेंड का ग्रॉसरी वगैरह जो बाय करना होता है, वेजिटेबल फ्रूट्स और दूध वगैरह, वही लेने जा रहे हैं। और बस ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, तो देखिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय गाइस।